डिहबार पूजा बेला का यह कलश शोभा यात्रा है। दो दिनों तक यह कार्यक्रम चलना है और अभी कलश शोभा यात्रा जयनगर के कमला नदी में किया जा रहा है। बेला में दो दिनों तक डिहबार बाबा का पूजा है, उसी को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाला गया है। और अभी आप देख सकते हैं कि कमला नदी में पवित्र जल भरा जा रहा है। माता कमला का मूर्ति जो है उसका स्थापना हुआ है बेला कचहरी टोल में, उसी को लेकर के जल भरो कार्यक्रम किया जा रहा है कमला नदी के पूर्वी तट पर काली मंदिर के साइड में। और आप देख सकते हैं कि जल भरकर कलश में जल भरकर जो श्रद्धालु है, जो महिलाएं हैं, वो जा रही है और विधिवत रूप से पूजा अर्चना किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार यादव। बोल देना बढ़िया से। किस चीज़ का कलश शोभा यात्रा है? ये ब्रह्म बाबा स्थान का जो है ना। कहाँ का? दो दिवसीय ये कार्यक्रम है। और कौन सा कार्यक्रम वहाँ होगा? वहाँ एग्जाम है, माता कमला की जो है मूर्ति का स्थापना हुई है। कितना दिनों तक चलेगा? दो दिन तक चलेगा, आज से कल तक। मेरा नाम विनय कुमार यादव है। और कलश यात्री हमारे जो माँ बहन डिहबार स्थान से चल करके कमला में जो आप जल भरे हैं, यह तीन दिवसीय कार्यक्रम है। कल ही के दिन कमला मैया का मंदिर में मूर्ति स्थापना हुआ। आज से कलश स्थापना होने के बाद 24 घंटा एग्जाम होगा, जिसमें सभी ग्रामवासी या दिल्ली पश्चिमी पंचायत हो, दिल्ली दक्षिणी पंचायत हो, तमाम नौजवान, तमाम श्रद्धालु, माता बहन सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम रखा गया है। हम तो ध्यान देंगे कि जहाँ यह सब जल यात्री होता है, जग जाप का शुभ कामना होता है, काम किए हैं वो समझिए एक बहुत बड़ा जो है तो पुण्य का कार्य है। और पुण्य के कार्य करने के लिए जो माँ बहन आए हैं, मैं सबसे पहले अभिनंदन उस माँ बहन को कहते हैं जो अपना इंटरसिटी समय निकाल करके भक्ति मेहनत करके इस कार्यक्रम को पूरा किया है। बाबा दादा परिवार की ऐसा कर लगाने की अहाँ के बार बार रिक्वेस्ट करो छी और कभी कितने ध्यान देवे अहाँ और बात सुनै देवे तो बीच में आप बात करते रहो ताकि माता बहन के संपर्क करके दिक्कत नहीं हुए।
कमेटी से आग्रह एक आवश्यक जरूरी सूचना जो यात्रा जो है मतलब किया गया है, ये हर साल की भांति इस साल भी ये कार्यक्रम रखा गया है। क्या क्या कार्यक्रम है इसमें? ये माता कमला की जो है प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, और जो है ये ब्रह्म बाबा स्थान में जो है हरिजाम का कार्यक्रम रखा गया है। इस कलश यात्रा में कितने लोग शामिल हुए? इस कलश यात्रा में 301 कन्याओं ने भाग ली। लोग कहाँ कहाँ से आए थे इसमें कलश यात्रा में? इसमें बेली दसवीं पंचायत, बेली पश्चिम पंचायत, बेली पूर्वी पंचायत, मतलब 3-4 पंचायत के सभी माता बहनों ने मतलब उसमें भाग लिए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम विनय कुमार ठाकुर है। एक बेला में कहाँ पर हो रहा है? बेला में ये ब्रह्म स्थान में जो है मतलब किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लवली हिंदुस्तान के माध्यम से यह लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे थे। आप अपना प्यार और स्नेह चैनल के प्रति बनाए रखिएगा। धन्यवाद।